Good afternoon to all of you. आप लोग को जो सैंपल मैनुअल है वो तो मिल ही गया होगा और उसको डाउनलोड करके उसको ठीक से देख भी लिया होगा। सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट जो BSc थर्ड ईयर लेबोरेटरी में है वो यही है। ऑब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है टू स्टडी द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड एंड जीना डायोड एंड टू डिटरमाइन नी वोल्टेज। इसके बाद हमने आपके सामने रखे हैं जो उसमें एपरेटस यूज होने हैं। एपरेटस के बजाय हम चेंज करके एपरेटस रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं कि वो मैटर नहीं करता। एक्चुअली जो पहली क्लास है वीडियो लेक्चर है उसमें हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो पैनल है उसमें फिट होते हैं सारे कंपोनेंट्स, तो इंडिविजुअली आपको वहाँ अरेंज नहीं करने हैं, एक पैनल में ही फिट होंगे। जो एपरेटस से लिखा हुआ है पैनल फिटेड विद PN जंक्शन डायोड, ये सर्किट डायग्राम इसमें बना हुआ है उस ढंग से इनके कनेक्शन होने हैं। एक जीनर डायोड भी है उसमें, वोल्टमीटर है, दो वोल्टमीटर हैं, एक 0 to 2 volt वाला, एक 0 to 40 volt वाला। मिलीमीटर है, माइक्रोमीटर है रिवर्स व्यास में करंट नोट करने के लिए, फॉरवर्ड व्यास में करंट नोट करने के लिए मिलीमीटर है, एक पावर सप्लाई है और उसके अलावा कनेक्टिंग वायर्स है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि BSc थर्ड ईयर में जो भी आप फाइल बनाएंगे मोस्ट ऑफ दी एक्सपेरिमेंट्स में आपको फॉर्मूला या फॉर्मूले यूज्ड अलग से हेडिंग डाल के नहीं लिखना है। थ्योरी आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं वो लिखेंगे। इस मैनुअल में आपने देखा होगा कि थ्योरी में वहाँ से स्टार्टिंग हुई है बेसिक से, कंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, उसकी जो सेमीकंडक्टर्स भी इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये एक्चुअली आपकी हेल्प के लिए इस ढंग से ज़्यादा उसके उससे एसोसिएटेड थ्योरी लिखनी होती है ताकि वाइवा टाइम पे भी आप उसको अलग से कोई बुक कंसल्ट ना करनी पड़े, जो भी उसके इर्द गिर्द था उन सबको आपने लिखा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर जो है कंडक्शन सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक में कैसे होता है, फर्मी लेवल क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का जो आप 12th लेवल से पढ़ते आ रहे हैं वो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें भी फर्मी लेवल के साथ जो आपने BSc लेवल पर पढ़ा है शॉर्ट फॉर्म में जो प्रैक्टिकल कॉपी में आप लिख सकते हो वो हमने लिखवाया था। इसके बाद PN जंक्शन डायोड का पूरा जो बेसिक है इसमें इंक्लूड करा है और एक एक चीज़ को समझने वाले अंदाज में लिखा गया है। आपको इसी से प्रेरणा लेनी है, आपको इसी से इंड्यूस होना है कि आपको भी इसी लेवल से लिखना है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमने ये जो सैंपल दिया हुआ है आपको हूबहू एज सच कॉपी करना है। आपको ऑब्जेक्ट कॉपी करना है, एपरेटस कॉपी करना है। एपरेटस जो हमने दिया है सैंपल में उसमें कुछ कमी है,
जो हमने बोर्ड पे लिखा है वो यहाँ से शुरू हुआ है पीएन जंक्शन डायोड ये करके, एक्चुअली आपको इसी अंदाज में लिखना है। जहाँ भी पैनल आप यूज़ कर रहे हैं और पैनल में फिट हैं तो आपको एपरेटस ही, बहुत मतलब ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास कॉपी चेक करवाने के लिए जब भी बच्चे आते हैं अगर उसी प्रॉपर वे में नहीं लिखा है जो है एक्चुअल में तो मुझे उनको टोकना पड़ता है। तो इस ढंग से आपको एपरेटस कॉपी करने हैं, थ्योरी अपने अंदाज में। इफ यू फील आई कैन राइट इन बेटर वे यू हैव टू राइट एज पर योर नॉलेज। तो इन्होंने फॉरवर्ड ब्यास रिवर्स ब्यास को भी बताया, वी आई करेक्टरिस्टिक्स की थ्योरी जो समराइज होके होती है, जो इक्वेशन यूज़ करते हैं डायोड इक्वेशन वगैरह, उन सबको इसमें इन्होंने प्रेजेंट किया है इस थ्योरी में। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है फॉरवर्ड रिवर्स ब्यास करेक्टरिस्टिक्स में, इसको भी लिखा है। जीनर डायोड के बारे में भी लिखा है, जीनर ब्रेकडाउन, और उसमें जो है पीएन जंक्शन डायोड में एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, इसमें नहीं लिखा है, यू कैन इंक्लूड। कुछ बातें इस सैंपल जो भी आपको मैनुअल दिया है उसके बियॉन्ड भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे। जो आपको सैंपल दिया है उनके एक एक पॉइंट पेज वाइज आपको दिखा रहे हैं, ये भी आपके पास पेज होगा। ऑब्जर्वेशंस आपको कैसे लिखनी है, आपने जितने भी चार हैं, दो वोल्टमीटर हैं, दो एमीटर हैं, दो डिफरेंट रेंज के हैं, और मिलीएमीटर है और एक माइक्रोमीटर है। तो ऑब्जर्वेशन टेबल के ऊपर आप लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर 0 to 2 volt वाले की क्या है वो लिखनी है। इसमें सब निकाली गई थी, मैंने इसमें वाइट फ्रूट लगाया है ताकि आप कॉपी करने की आदत ना डालें, आप सीखें, वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। माइक्रोमीटर की, मिलीमीटर की, सबकी लिस्ट काउंट आपको लिखनी है, यही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें। और वी आई करेक्टरिस्टिक्स के लिए कहा गया है तो आप टेबल भी वी एफ और आई एफ के बीच में पीएन जंक्शन डायोड में पहली टेबल है, टेबल वन डाल सकते हैं। इसमें ये कमी है, आपने और टेबल बनाई है तो टेबल वन, टेबल टू, टेबल थ्री, इस तरीके से आप बना सकते हैं। पीएन जंक्शन डायोड के लिए एक फॉरवर्ड ब्यास में बनाई गई है और दूसरी रिवर्स ब्यास में बनाई गई है। इसमें रिवर्स ब्यास में हमने स्टेप वाइज जो रीडिंग हो सकती है उसको मैंने वोल्ट्स की मैंने आपके सामने रहने दिया है और करंट की रीडिंग नहीं दिखाई है। जहाँ तक ग्राफ के प्लॉटिंग का सवाल है, जितनी नीटली, जितने एक्यूरेटली इसमें ग्राफ पेपर प्लॉट किया गया है, मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ग्राफ भी आप लापरवाही से प्लॉट ना करें। यही पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, 75 मार्क्स का आपका एक्सपेरिमेंट होता है तो इसको आप उसी लेवल से मेहनत करके पढ़ें, एक्सपेरिमेंट्स करें, ये मैं चाहता हूँ। तो ये इसका बनाया गया। फिर उसके बाद आप जीनर डायोड के लिए फॉरवर्ड ब्यास में लिख दिया है, इसी तरीके से रिवर्स ब्यास के लिए टेबल बनी हुई है। इसमें अभी जो बनाया गया है इसके ग्राफ हैं, इनको देखना है। एक और कमी है इस मैनुअल में, जैसे रिजल्ट एंड डिस्कशन, इस पर फोकस करना है। अभी तक आप जो प्रैक्टिकल नोटबुक, प्रैक्टिकल बुक यूज़ करते थे, प्रैक्टिकल बुक है वो अपना एक स्टाइल में बनाई जाती थी। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पर जानबूझ के इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हमने आपको सैंपल के तौर पर मैनुअल प्रोवाइड कराया है, उसमें टेबल बनी हुई है। थर्ड ईयर लेवल पे आने के बाद आप आसानी के साथ उसको कर सकते हैं।
तो जो रनिंग कमेंट्री है उन कर्व्स की, उसका जो नेचर है, उसको डिस्कशन में यहाँ लिखा गया है। और साथ ही साथ जो थ्योरी में आप जीनर डायोड के बारे में और पीएन जंक्शन डायोड के बारे में करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स थ्योरेटिकली आती है, और जो एक्सपेरिमेंटली आप अचीव करेंगे अपने ऑब्जर्वेशंस रीडिंग्स के द्वारा, उनके कंपैरिजन में क्या डिफरेंस आ रहा है, कितना वो उससे एग्री कर रहा है, कितना डिसएग्री कर रहा है, अगर वो वेरिएशन है तो क्यों है, इसके रीजंस आपको डिस्कशन में लिखने होंगे। ये एक्सपेरिमेंट का जो तरीका है करने का, यही होता है। अब मैं जो लैब में और भी चीज़ें होती हैं, ये आप सबसे पहला पेज देखिए, ये डायोड का जो फिगर बनाया गया है, ये आप देख रहे होंगे, ये जो डायोड का फिगर है ये एक्चुअल फिगर है, जो मार्केट में डायोड मिलता वो है। और इसके ऊपर जो बना हुआ है वो है, ये जो बना हुआ है ये सिंबल है, ये इसको आप जानते हैं। इसमें जो नीचे वाला जो फिगर बनाया है, इसमें एनोड और कैथोड लिखा है, आप पी और एन भी आप मान सकते हैं, ये पी साइड एनोड की तरह लिखा मान के इन्होंने लिखा हुआ है, और कैथोड को एन साइड मान के लिखा हुआ है। फॉरवर्ड व्यास में जो डिप्लीशन लेयर की क्या कहानी होगी, पी टाइप में किस तरीके से होंगे, दो कलर से इसमें शो करे हुए हैं, रेड और वाइट। तो आप देख रहे हैं एन टाइप में जो रेड की संख्या ज़्यादा दिखाई गई है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो वाइट वाले हैं वो होल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टर्मिनल्स इसमें होते हैं। ये पॉजिटिव नेगेटिव लिख देने का मतलब है, अगर बैटरी नहीं भी बनी है, इसका मतलब है कि हमने उसको शो नहीं किया हुआ है इसमें, लेकिन सर्किट बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। अगर पी साइड को आपने पॉजिटिव से जोड़ा है तो वो फॉरवर्ड ब्यास कहलाता है, यानी ये तो ऑब्वियस है कि पी साइड को अगर पॉजिटिव आपने कनेक्ट किया है तो एन साइड को आपको नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने जो बहुत ही जो फ्रंट फेस जो फ्रंट कवर बनाया है, इसमें फॉरवर्ड ब्यास के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पीएन जंक्शन डायोड, और जीनर डायोड रिवर्स ब्यास के रूप में यूज़ किया जाता है, इसलिए रिवर्स ब्यास का जो है बनाया गया है। डिप्लीशन लेयर को रिवर्स ब्यास में चौड़ा होते हुए भी दिखाया गया है। इसके जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसके दो फिगर्स इसमें दिखाए गए हैं इस फिगर में, और जो जीनर डायोड है उसका सिंबल के रूप में कैथोड और एनोड के रूप में दिखाया गया है। एक एक चीज़ बारीकी से देखना पड़ेगा। हम फिगर इसलिए नहीं बना रहे हैं, यू आर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी थर्ड ईयर, यू कैन अंडरस्टैंड वेल। इसके बाद जो चीज़ इसमें नहीं है उसके लिए हम इस ग्रीन बोर्ड को इस्तेमाल करके कुछ बातें और करना चाहते हैं। हमने एक बेसिक तरीका है जिसको आपको पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, इस पर इसको ध्यान से देखेंगे। जब भी लैब में मौका मिलेगा उस लैब में जाके आप आसानी के साथ उसको सिंपल तरीके से सर्किट लगा के कर सकते हैं। सर्किट जोड़ने का बहुत ही सिंपल तरीका मैं लैब में बताऊंगा। अगर यही ऑनलाइन चलता रहा तो हम कोशिश करेंगे कि उन्हें लैब में पहुंच के और उसी जो हमारा पैनल है उसके ऊपर कैमरे को फोकस करके वीडियो बनाएंगे और उसी में एक एक सर्किट एक्सप्लेन करते हुए उस वीडियो को बनाएंगे और आपके सामने लाएंगे। अभी फिलहाल एक क्लास और बिना लैब में जाए बहुत सारी बातें भी बताने को हैं, जिसको आप अभी देखते जाइए कितनी बातें होती हैं लैब के लिए। आप पावर सप्लाई एग्जाम्पल के तौर पर जो इन्होंने नहीं बनाया है, कुछ लोग वेरिएशन के तौर पर, लेकिन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में आप कैसे किसी एक्सपेरिमेंट में कोई चीज़ इंक्लूड कर लीजिए, किसी एक्सपेरिमेंट में कोई चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर
अभी आपने कहा वोल्ट मीटर, फिर एमीटर कहा, तो वोल्ट मीटर और एमीटर इनके प्रिंसिपल्स भी आप अपने उसमें जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो उसको, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर अगर एक्सपेरिमेंटल लैब में काम कर रहे हैं तो वो भी चीज़ें चाहे भले ही बिलो स्टैंडर्ड आपको लगती हो कि हम ये तो बहुत ही मतलब छोटी क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन जिन इंस्ट्रूमेंट्स को आपने थ्योरेटिकली पढ़ा है एक्सपेरिमेंटली आपके हाथ में है तो उसकी जो रचना है उसकी कंस्ट्रक्शन है तो डिब्बे के अंदर बंद, तो आप एक्चुअली उसकी नीडल रिफ्लेक्ट होते हुए सब कुछ देखते हैं, बीएससी पार्ट टू लेवल पर भी कर चुके हैं। ये जो आप पावर सप्लाई जो बेयसिंग होती है ये पीएन जंक्शन डायोड हमने बनाया, ये पी साइड है और ये एन साइड, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है एक्चुअली। ये जो आप समझते हैं कि इनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है ऐसा नहीं है, एक ही पीस होता है, डिफ्यूजन से आधे पोर्शन को पी साइड टाइप का बनाया जाता है, जैसे आप कहते हो कि पी बनाने के लिए हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को डोप करते हैं तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। अगर फाइव वैलेंसी वाला कोई इम्प्योरिटी डोप करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो वो एन टाइप मटेरियल बनता है। तो टेक्नोलॉजी से उसकी वो बनी होती है, अपना एक खांचा टाइप कर तैयार करते हैं कि उसमें डलता है, एक पोर्शन में उसकी वेपर्स छोड़ी जाती हैं, वो उसके अंदर डिफ्यूज हो जाती है, यानी इनका मतलब डोपिंग हो जाती है। इसमें ट्राइवेलेंट वाले की डोपिंग करी गई है और इस तरीके से वो निकलते चले जाते हैं, जो फैक्ट्री होती होगी उसकी टेक्नोलॉजी इस तरीके से बना के मशीन बना के ये डोपिंग करी जाती है, फिर उसके बाद उसकी कोटिंग वोटिंग करके और साथ में पहले से जो इलेक्ट्रोड्स हैं जो वायर हैं उनकी भी व्यवस्था कर देते हैं कनेक्शन करने के लिए और मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। बहुत कॉस्टली चीज़ नहीं है, अभी जाएंगे तो एक रुपए से ज़्यादा की नहीं मिलेगी जंक्शन डायोड जीना डायोड, थोड़ा सा महंगा मिलेगा। आपको पता ही है जंक्शन डायोड और जीना डायोड में क्या अंतर है, दोनों ही जंक्शन डायोड की तरह हैं। अंतर क्या है कि जो हमारी जो डोपिंग करी गई है, मतलब आधे पोर्शन की डोपिंग एन टाइप मटेरियल बना दिया गया एक ही पीस में का, और एक में आधे में जो है पी साइड बना दिया गया, मतलब उसको डिफ्यूजन से, और आधा डिफ्यूजन से पी साइड बना दिया गया है। तो डोपिंग थोड़ी सी ज़्यादा किस अमाउंट में करनी है डिपेंड करता है, डोपिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई तो इस वाले जीना डायोड में इसमें भी उसी प्रोपोर्शन में डोपिंग ज़्यादा करी तो हाई कंसंट्रेशन हो गया डोपिंग का, डोपिंग कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो इस तरीके से हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड बना और इसी को नाम दिया गया जीना डायोड। ये जो पी टाइप मटेरियल होता है इसका मतलब आप जानते हैं कि इसमें होल हैं, और ये भी आप बोलने में बोलते हैं कि इसमें चार्ज कैरियर मेजॉरिटी में है, इसका मतलब आप जान रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचे हैं। जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हमने डोपिंग नहीं करी है, उसमें कैसे ये चार्ज कैरियर्स आते हैं, इसको आपने बहुत लेवल्स पर पढ़ा है, आप अच्छे से जानते हैं कि जो कार सिलिकॉन एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग से शेयर करते हैं, और उसमें जो है कहीं ना कहीं जो उसके डिफेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं
उसकी वजह से इंडस्ट्रियल साइट्स वगैरह पे, सॉरी सेट फिजिक्स पता नहीं है आपने किस लेवल तक पढ़ी है, आप डिफेक्ट्स वगैरह जानते हैं कि नहीं जानते, एक वो भी कारण होता है। दूसरा जो है कहीं ना कहीं और भी 100% प्योर नहीं होता, कोई ना कोई दूसरे टाइप की इम्प्योरिटी होती है, तो उसमें चार्ज कैरियर्स आते हैं। तो वही मटेरियल तो जो हमने डोपिंग डिफ्यूजन करा के नहीं कराई थी तो वो इंट्रिंसिक ही था। जब हमने उसमें डिफ्यूजन करा दिया, डिफ्यूजन से डोपिंग करा दी है, तो वो जो है पी टाइप या एन टाइप मटेरियल बन के तैयार हो जाता है। फिगर में तो एक ब्लॉक के रूप में हम बना देते हैं, एक्चुअल में तो मटेरियल होता है। अब मटेरियल का लिए वो व्यवस्था बना दी जाती है और उसकी डोपिंग कराई जाती है। तो वो जो डोपिंग होती है वो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट करते हैं। इसमें होल्स मेजोरिटी में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि अगर हमने ट्राइवेलेंट बीच में कुछ डाल दिए हैं तो शेयरिंग में एक जगह कमी हो गई और एक इलेक्ट्रॉन की कमी होल बनाती है। इसमें एक जो पांचवा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो पड़े रहे उसके आसपास, जितनी संख्या में पार्टिकल्स जो हमने इम्प्योरिटी को डोप कराया था वो संख्या यहाँ पे एक्स्ट्रा होल्स जो कि डोनेट कर सकता हो, इसलिए आपको डोनेट कर सकता है, तो इसको डोनर टाइप कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की हैबिट वाला हो गया, चूंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको एक्सेप्टर टाइप भी कहते हैं। ये एक्सेप्टर टाइप होता है पी और ये डोनर टाइप होता है। ये थ्योरी क्लास नहीं है, मैं तो धोखे में जाने लगा था उसके अंदर, मैं नहीं जाना चाहता। तो आपको इसकी थ्योरी आप डिटेल में आपको संकेत दे रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ें, और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स करके आपका जो पेपर है वो तो आपको और डिटेल में पढ़ना है। लेकिन है तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस आप एडवांस में सिलेबस में आप देखेंगे, आपने डायोड पढ़े, जंक्शन डायोड पढ़ा, जीनर डायोड पढ़ा, उसके बाद आपने पिन डायोड पढ़ा, उसके अलावा पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड पढ़ा, कोई भी डायोड पढ़ लीजिए, है तो सेमीकंडक्टर का यूज। उसके बाद आपने पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ा, एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ा, तो जो भी डिवाइस बनती जाएंगी उस सेमीकंडक्टर का ही यूज है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सर जो है थ्योरी इतनी ज़्यादा क्यों लिखवाते हैं। ज़्यादा लिखवाने का मतलब हमारा बार बार किसी भी को, अच्छे स्टूडेंट को यही सुझाव होता है कि किसी भी चीज़ की जो नींव होती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। इस इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेस है वो सेमीकंडक्टर की बेसिक नॉलेज में छिपा हुआ होता है, उसी से सारी करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं। तो जब ये आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी होगी तभी तो आप समझ पाएंगे, तभी तो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप कैसे बना, एन टाइप का कैसे बना। अभी आप घबरा जाएंगे जब हम अगर डेप्थ में चले जाएंगे, तो मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो मैं आपको संकेत दे रहा हूँ कि ये थ्योरी सब इंप्रूव करने जरूरी है। एक किसी एक्सपेरिमेंट में आपने जरूरी से लिख दिया जो जो आइटम्स, अब आप पी ट्रांजिस्टर लिखेंगे तो आप वहाँ से ये सब पी टाइप मटेरियल, एन टाइप मटेरियल या उसकी बेंड थ्योरी है वो आगे नहीं लिखेंगे। फोटोडायोड में कुछ और चीज़ें नहीं लिखी है, उसमें लाइट से संबंधित बातें लिखी है, फोटोडायोड से संबंधित थ्योरी लिखी है, वो डिस्कशन में होता जाएगा कि उसमें आपको क्या लिखना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूँ आज, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि जो पावर सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा यूज होती है लैब में। पावर सप्लाई पे तो आपके एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, चाहे ब्रिज रेक्टिफायर एक पावर सप्लाई का पार्ट होता है, ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर नाम के दो एक्सपेरिमेंट भी हैं। उसके बाद
रेगुलेटेड एंड स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई भी है, यानी कि आपके सामने तीन एक्सपेरिमेंट इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। और इसके अलावा चाहे वो पीएन जंक्शन डायोड का ही एक्सपेरिमेंट करिए, कोई भी एक्सपेरिमेंट करिए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पावर सप्लाई की जरूरत होती है, तो इसकी नॉलेज करनी बहुत जरूरी है। मैं पावर सप्लाई की डेफिनेशन पहले बता रहा हूं। पावर सप्लाई इज ए यूनिट, इसको बहुत ध्यान से समझिए। पावर सप्लाई इज ए यूनिट विच रन ऑन एसी एंड सप्लाईज स्मूथ डीसी एट आउट। ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर सप्लाई। पूरी पावर सप्लाई तो हम नहीं बनाएंगे, मैं क्योंकि वीडियो है लिमिटेड टाइम के लिए बनता है, सीधे मतलब की बात पे आते हैं। ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं मैं पावर सप्लाई का, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई। तब ये डेफिनेशन अभी सीधे से समझ में कम आएगी। इसमें पहली चीज तो है ट्रांसफार्मर, इसको तो हम सीधे ट्रांसफार्मर को सिंबल से बना देता हूँ। ये हम कह रहे हैं ट्रांसफार्मर सेक्शन, ट्रांसफार्मर सेक्शन, और इसी के साथ इसको आप जोड़ दीजिए इसमें रेक्टिफायर का, तो रेक्टिफायर इसको मिला के बन जाएगा रेक्टिफायर सेक्शन। इसके बाद हम रेगुलेशन सेक्शन जोड़ेंगे, फिल्टर सेक्शन जोड़ेंगे। इसके बाद रेगुलेशन सेक्शन जोड़ेंगे, एक सेफ्टी रेजिस्टेंस भी डाला जाएगा, सेफ्टी रेजिस्टेंस, सेफ्टी रेजिस्टेंस। ये अब इसमें होता क्या है, मैं ऊपर की चीजों को मिटाता हूं। होता क्या है कि जो हमारे इंडिया में सप्लाई है डैम वगैरह से, जहां से भी आती है, ये एसी मिलती है, सब जगह यही एसी का प्रोडक्शन होता है। और डीसी का डायरेक्ट प्रोडक्शन तो बहुत कॉस्टली होता है, ये सेल और बैटरी ही उसका सोर्स होते हैं। तो जो एसी है जब आप यहाँ पे लगाएंगे ट्रांसफार्मर सेक्शन में भी, आपका इनपुट मतलब आप स्टेप अप या स्टेप डाउन करेंगे, लेकिन होगी एसी ही एसी हमने यानी कि। अब जब रेक्टिफाई हुई, एक्चुअली फुल वेव रेक्टिफाइड रेक्टिफायर ही इसमें यूज होता है, तो ये हमको मिलती है आउटपुट में। ये इतनी बातें आप आसानी से समझ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से बता रहा हूँ। ब्लॉक डायग्राम में ये सर्किट बनाएंगे तो फिल्टर का हम मतलब बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे नहीं। आप ये समझ लीजिए कि किसी सर्किट के माध्यम से फिल्टर यूज करा जा रहा है, सर्किट के माध्यम से जो आपका रेक्टिफायर है, जो रेक्टिफायर का पूरा सर्किट होता है, वो इसको ये ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ब्लॉक डायग्राम का मतलब एक ब्लॉक हमने बना दिया है, और इसके अंदर जो भी सर्किट एलिमेंट्स हैं वो सब छिपे हुए हैं। सर्किट डायग्राम पूरा सर्किट छिपा हुआ है, हम सिद्धांतता प्रिंसिपल के रूप में देख रहे हैं। फिल्टर क्या करता है,
फिल्टर ने क्या किया कि रिपल्स को कम कर दिया और ये यूं, एक्चुअली ये टाइम स्केल है, ये करंट है या वोल्टेज है, जो भी आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। देखिए एसी का सिंबल तो ये होता है, ये एसी है, ये एसी है, और डीसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है, टाइम है, टाइम है, ये डीसी का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये डायरेक्ट करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट, इससे भी परिचित है, ये इससे भी परिचित है, यानी टाइम के बदलने से इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं बदले, वो डीसी होती है। रेक्टिफायर की जो आउटपुट है ये टाइम के साथ साथ बदल रही है, ये परफेक्ट डीसी नहीं है। हाँ ये जरूर है कि निगेटिव डायरेक्शन में नहीं जा रही, जो कि इसमें जा रही थी, आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, यहाँ निगेटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, निगेटिव हाफ साइकिल है, इसमें ना पॉजिटिव पॉजिटिव के निगेटिव के बारे में तो सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल भी नहीं है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है। सच्चाई ये है, यानी गलत से सही बताने में आपके दिमाग में ज्यादा बैठा है। तो ये फिल्टर सेक्शन के बाद हमको ये मिला। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने यहां पे ये लाइन इसके ठीक पैरेलल बनाई है, जो डीसी आपको सेल वगैरह से मिलती है, लेकिन हमने इसमें थोड़ा सा स्लोप दिखाया हुआ है, घटते हुए उसकी वैल्यू दिखाई है, ये जो ट्रांसफार्मर और फिल्टर होने के बाद। रेक्टिफायर आप ऑलरेडी बीएससी पार्ट वन में पढ़े, रेक्टिफायर भी पाई सेक्शन फिल्टर और एल सेक्शन फिल्टर, इसके अलावा इंडक्टर और कैपेसिटर, कैपेसिटर पैरेलल में लगाया जाता है, इंडक्टर सीरीज में लगाया जाता है, फिल्टर के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली ये जो फिल्टर सेक्शन मिला के एक और नाम आता है, अगर हम आगे ये न लगाएं तो इसको हम अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई भी कहते हैं। ये जो पावर सप्लाई की हमने डेफिनेशन दी थी, इसी में आगे जोड़ता हूं मैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, और दूसरी है रेगुलेटेड पावर सप्लाई। इसमें देखिए तीन सेक्शन है, इट कंसिस्ट थ्री सेक्शंस, ट्रांसफॉर्मर सेक्शन, इसको हम अगर फैला के लिखना चाहें, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई कंसिस्ट ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर एंड फिल्टर सेक्शन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रेक्टिफायर स्मूथ डीसी नहीं देता, पावर सप्लाई स्मूथ डीसी दे सकती है, देती है, स्मूथ है ये, अनरेगुलेटेड का मतलब अभी मैं समझाऊंगा। पावर सप्लाई इज अ यूनिट विच रन ऑन एसी एंड सप्लाईज स्मूथ डीसी एट आउटपुट, इट इज ऑफ टू टाइप्स, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई इज ए सप्लाई, पावर सप्लाई
विच कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शंस, ट्रांसफॉर्मर सेक्शन, रेक्टिफायर सेक्शन एंड फिल्टर सेक्शन. अदर इज रेगुलेटेड पावर सप्लाई. रेगुलेटेड पावर सप्लाई में दो सेक्शन और जुड़े हुए हैं. एक सेक्शन के रूप में हम सेफ्टी रेजिस्टेंस को भी कंसीडर कर रहे हैं. इसमें रेगुलेशन सेक्शन एंड सेफ्टी रेजिस्टेंस और जुड़ गया, तो ये इसमें पांच सेक्शन आ गए रेगुलेटेड पावर सप्लाई में. अब रेगुलेशन के लिए जीनर डायोड भी यूज में आता है. आपने पढ़ा होगा यूज ऑफ जीनर, यूजेज ऑफ जीनर डायोड में. तो जीनर डायोड का यूज ट्रांसफार्मर वोल्टेज को रेगुलेट करने में होता है. इसके अलावा भी ट्रांजिस्टर को भी यूज किया जाता है, डायोड को, जीनर डायोड को भी यूज किया जाता है. कॉम्प्लिकेटेड मतलब एक तरीके से सर्किट डायग्राम बनाया जाता है और उससे होता है. अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुल मिला के जो एक मोटे तौर पर हमने बताया है, ये जानना बहुत जरूरी है. हमने अभी दो तीन टाइप के सिग्नल्स बनाए. एक एसी सिग्नल, ये एसी सिग्नल है, ये आइडियल डीसी सिग्नल है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल है. ये टाइम है, ये टाइम है, ये वोल्टेज या करंट आप दिखा सकते हो, वोल्टेज या करंट दिखा सकते हो. आउटपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज भी, मैंने कोई भी डिवाइस जिसके आउटपुट से ये निकल रही है तो एसी सोर्स हो गया. अगर ये निकल रही है तो ये आउटपुट वोल्टेज ये भी है, दिस इज परफेक्ट एसी सोर्स. ये आपका सेल भी हो सकता है और बैटरी भी हो सकती है. सेल बैटरी में कोई अंतर क्या है कि जो ग्रुप ऑफ सेल्स मेक्स ए बैटरी. अभी जो हमने अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई का जो आउटपुट था वो टाइम एक्सिस के साथ जो आउटपुट वोल्टेज है इस तरीके से दिखाया था. इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्चुअली जो आप एसी से डीसी बना रहे थे अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, इसका जो आउटपुट आ रहा है यहाँ से ड्रॉ हो रहा है वो ये हमने बनाया है. ये वोल्टेज आउटपुट भी इस तरीके से, कहने का मतलब होता है किसी भी पावर सोर्स का या पावर सप्लाई का काम क्या है? आउटपुट वोल्टेज क्रिएट करके दे देना जहाँ भी हमें अप्लाई करना है. ये एक्चुअली हम एक प्लॉट कर सकते हैं टाइम के बजाय यहाँ लोड करंट, लोड करंट. यानी कि हमने केवल देखने के लिए तो कोई डिवाइस बनाई नहीं है, किसी सोर्स को बनाया नहीं है. हम इससे काम लेंगे. काम लेने का मतलब करंट ड्रॉ करेंगे. और करंट को ड्रॉ कहाँ करते, किसके थ्रू करते हैं? रेजिस्टेंस के थ्रू, लोड के थ्रू. तो जब हम यहाँ पर लोड डालेंगे तो इसमें जो आउटपुट है ये आप देखोगे, अगर कोई मीटर होगा इसके बॉक्स पे तो ये सपोज करते हैं 200 वोल्ट दे रहा था जब हमने नहीं कोई करंट ली थी, करंट ड्रॉ नहीं की थी. जैसे ही आपने इससे कुछ करंट पता चला 10 मिली एम्पियर करंट ड्रॉ करी तो 200 वोल्ट के बजाय ये 190 वोल्ट. आपने 20 मिली एम्पियर करंट ड्रॉ कर ली
इसके आउटपुट से कोई लोड लगा के, कोई लोड रेजिस्टेंस लगा के आपने ड्रॉ कर ली। एक्सपेरिमेंट तो लोड रेजिस्टेंस लगाया जाता है, लेकिन वैसे डिवाइसेस में जो भी काम लेना होता है तो उसमें करंट का ही खेल होता है, तो इसलिए हम लोड लगा के यहाँ पर इसको स्टडी करते हैं। तो जो लोड करंट है हमने रेजिस्टेंस लगा के ड्रॉ करी है, उससे आउटपुट जो वोल्टेज है उसको प्लॉट किया कि जैसे जैसे लोड करंट हम बढ़ा रहे हैं वैसे जैसे ये वैल्यू घटती जा रही है, तो ये अनरेगुलेशन कहलाता है। रेगुलेशन वो कहलाएगा कि अगर आपने लोड करंट ड्रॉ भी कर ली है तो भी इसका आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहे, तो ये बिल्कुल जो सेल या बैटरी से करंट ड्रॉ करती है उससे मैच करे। तो जहां भी हमारा यूज होता है अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बीच रास्ते में आता है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं, क्योंकि उसके पहले अनरेगुलेटेड ही मिलता है। एक विशेष सर्किट के द्वारा उसको रेगुलेट कराया जाता है, उसको रेगुलेशन सेक्शन या रेगुलेटिंग सिस्टम भी कह सकते हो, उसमें जोड़ा जाता है, तब जाके हमको आउटपुट वोल्टेज स्मूथ मिलता है जो कि रेगुलेटेड मिलता है। स्मूथ तो पहले वाला भी था, अब भी है, उसमें कोई रिपल्स नहीं थी, जो अनरेगुलेटेड आउटपुट था इसमें भी नहीं रिपल्स हैं, लेकिन वो लोड के ड्रॉ करने से चेंज हो जा रहा था, ये लोड ड्रॉ करने से, ये चेंज लोड करंट ड्रॉ करने से चेंज नहीं होता है, अनचेंज्ड है, तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई ही यूज़ करते हैं। जो डिवाइसेस लोकल यूज़ करने लगते हैं जो डिफरेंट सर्किट्स में, तो वो क्या करते हैं कि उसमें रेगुलेटिंग सर्किट नहीं जोड़ते हैं, तो वो इसीलिए वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आप जो बैटरी एलिमिनेटर वगैरह लाते थे लोग मार्केट से ख़रीद के, उसमें वो रेगुलेशन सेक्शन की कमी कर देते हैं, इसीलिए वो सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन वो ठीक से काम नहीं करती हैं क्योंकि वो अनरेगुलेटेड आउटपुट देती है। तो पावर सप्लाई को आप नेट में भी बहुत सारा आपको मिलेगा मैटर, ऑनलाइन आप देख सकते हो। हमने सिर्फ एक लेआउट बनाया, आपको मेंटली प्रिपेयर करना सिखा रहा हूँ, उसकी प्रेरणा दे रहा हूँ कि आपको इस एंगल से अपना मूड सेटअप करना होगा। एक्सपेरिमेंटल हैंड आपका सही तभी होगा जब इस इन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। तो आपको पावर सप्लाई बहुत अच्छे से पढ़नी है। एक और एक्सपेरिमेंट है, हमने लिस्ट में दिखाया, टू स्टडी रेगुलेटेड एंड स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई। अब आप पूछोगे कि अब कहाँ से आ गया, सारी बात तो पूरी हो गई, लाइज्ड पावर सप्लाई। आप पूछ सकते हो कि जब वो रेगुलेट भी हो रही है, करंट ड्रॉ करने से भी उसका आउटपुट वोल्टेज कम नहीं हो रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है, हमारा काम तो पूरा हो गया। नहीं, काम पूरा नहीं हुआ है। आप अपने घरों में फ्रिज में एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टेबलाइजर यूज करते हैं, जहां पे वोल्टेज सही नहीं आती है, अप एंड डाउन होता है, तो अपने एपरेटस को बचाने के लिए स्टेबलाइजर भी यूज करते हैं। घर में एसी लगता है उसके साथ स्टेबलाइजर भी लगाना पड़ता है। तो स्टेबलाइजेशन का मतलब आप समझ लीजिए, स्टेबलाइज। देखिए, ये जो कोई भी डिवाइस है, अभी आपने पढ़ा कि हम एसी देते हैं और डीसी मिल जाती है, हमें रेगुलेटेड भी मिल रही है, लेकिन अगर हम इनपुट वोल्टेज को वेरी करें और उसके बाद भी करंट चेंज ना हो, क्योंकि कोई भी कंपोनेंट है, घर में आपके टीवी लगा हुआ है,
और भी अप्लायंसेस आप चलाते हैं वो करंट पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं। करंट की वैल्यू अगर सही मिलती रहे, जिस करंट की वैल्यू या उसके एक पर्टिकुलर रेंज में बनाया गया है, अगर वो सप्लाई उसको एक पर्टिकुलर रेंज में करंट की मिलती रहे, पर्टिकुलर वैल्यू में मिलती रहे, तो उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। अगर उससे कम या ज़्यादा होती है तो वो बियर नहीं कर पाता है और उसकी वर्किंग प्रभावित होती है और वो डिवाइस ख़राब हो जाती है। तो ये जो हमारा वोल्टेज के वेरिएशन से भी आउटपुट में वेरिएशन ना हो तो उसको कहते हैं स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइज पावर सप्लाई के लिए भी मैं लिख देता हूं, एंड स्टेबलाइज पावर सप्लाई, स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई इज दैट which maintains the output current on variation in the applied input signal. लेकिन आप ये कहेंगे कि हमने अगर 1 वोल्ट दे दिया 200 वोल्ट की जगह, तब थोड़ी हमारा जो सर्किट का डिज़ाइन है वो एक 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 पर्टिकुलर रेंज में ही बनाया जा सकता है। तो इसकी एक रेंज डिसाइड होती है कि भैया 160 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक या 260 वोल्ट तक भी आ जाता है तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा आउटपुट में, लेकिन 160 के नीचे चला जाएगा तो फर्क फिर आ जाएगा, भले ही आप स्टेबलाइजेशन सर्किट यूज कर रहे हो। 260 के ऊपर आएगा तो भी बियर नहीं कर पाएगा। एक जैसे हम जीनर डायोड करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो आप इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका आप उसके बियॉन्ड कैपेसिटी लगा देंगे। एक्चुअली कोई भी सेमीकंडक्टर होता बना तो छोटे छोटे एटम्स से ही है, समूह बना है, उसके बॉन्ड हैं, वो बॉन्ड ब्रेक कर जाएंगे तो उसका पता चला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही फिनिश हो जाएगा। जब बेसिक स्ट्रक्चर फिनिश हो जाएगा उस मटेरियल का, तो वो मटेरियल से बनी हुई डिवाइस काम कैसे करेगी। तो एक पर्टिकुलर स्टेबलाइज पावर सप्लाई इन ए पर्टिकुलर रेंज, आप सारी कंपनी लिख देती है कि किस रेंज में इसका है, पर्टिकुलर रेंज, इन्हें पर्टिकुलर रेंज आप लिख सकते हो, इज दैट विच मेंटेन्स द आउटपुट करेंट ऑन द वेरिएशंस इन द अप्लाइड सिग्नल। यानी देयर इज नो चेंज इन द डीसी आउटपुट करेंट, दूसरे वर्ड्स में और इन अदर वर्ड्स There is no change in the output current supplied आउटपुट पे ही तो मिलती है, इररिस्पेक्टिव द वेरिएशंस
the variations in the input signal. आपको दूसरे शब्दों में भी हमने बता दिया स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई या स्टेबलाइजेशन क्या होता है. आप सप्लाई के लिए बोलोगे स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाई इज दैट पावर सप्लाई विच मेंटेन्स आउटपुट करेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशंस इन द इनपुट वोल्टेज. तो ये आप पावर सप्लाई को हल्के में पावर सप्लाई हम अनोइंगली किसी भी चीज़ के लिए बोल देते हैं. हमें हर चीज़ के लिए नहीं बोलना है. आप रेक्टिफायर में और पावर सप्लाई में अंतर समझें. ए रेक्टिफायर विद फिल्टर सेक्शन कैन बी कंसीडर्ड एज अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई. ये पॉइंट नोट करिए वाइवा के लिए भी और बेसिक क्लियर होने के लिए. क्या मैंने बताया था, मैं भूल गया, कुछ बता रहा था. चलिए मैं और बचा हुआ काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया होगा, मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ और बची हुई चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से डिस्कस करूँगा. फिर एक एक करके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस कैसे ली जाएंगी उसका हम पे छोड़ दीजिए, हम कैसे करेंगे. वैसे तो वर्चुअल लैब भी लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन मैं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि एक्चुअल एक्सपेरिमेंट एग्जामिनेशन में करना है तो हम क्यों ना वहीं पे जब भी मौका मिले वर्चुअल भी मतलब एक हद तक उस पर्पस को सॉल्व करता है. मैंने देखा है अगर ज़रूरी हुआ तो मैं वर्चुअल लैब के सहारे यही एक्सपेरिमेंट करके बता सकता हूँ, लेकिन मेरी पहली कोशिश ये होगी कि मैं वहीं लैब में जाके जिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे आपको काम करना है उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे जो वोल्टमीटर और मिलीमीटर जो भी मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट में यूज़ करके सर्किट अप्लाई करके जो ऑब्जर्वेशन टेबल के हिसाब से ऑब्जर्वेशन कैसे ली जाती हैं ली जाएगी उनको मैं कराना शुरू करूँगा. फिलहाल शुरुआत में अभी भी हम लैब से संबंधित जो ज़रूरी चीज़ें हैं सीधे से एक अनोइंगली हम गए और प्रैक्टिकल करने लगे और फिर वो डर बैठ गया, वो पता ही नहीं आगे पीछे पता ही नहीं, तो इस वजह से हमेशा प्रॉब्लम होती रही, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है. एक्चुअली बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आगे रिसर्च फील्ड में जाना चाहेंगे तो एक्सपेरिमेंटल जो व्यू है एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस है वो बैकग्राउंड बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटल हैंड अच्छा होना बहुत ज़रूरी होगा. इसलिए मतलब थ्योरी पेपर के आसपास प्रैक्टिकल के मार्क्स भी हैं और एक मौका है. साइंस और आर्ट्स में यही फ़र्क है कि यहाँ एक्सपेरिमेंटली हम सब्जेक्ट को सीखते हैं तो क्यों ना हम सीखें. मुझे लगता है यही बात ख़त्म करते हैं. थैंक यू वेरी मच.